और आजमगढ़ में ईद को लेकर प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है और इसी क्रम में आजमगढ़ में आईजी डीएम और एसपी एवं अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया है और इस दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया गया है और लोगों को सुरक्षा का संदेश भी दिया गया है। आगामी जो हमारे त्यौहार हैं, अलविदा की कल नमाज़ होगी, फिर ईद होगा और नगर निकाय चुनाव हैं, इनको लेकर हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, कार्यक्रम स्थल हैं, उनका आज निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था, साफ़ सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। कुछ थोड़े काम बाकी हैं, वो आज रात तक पूरे हो जाएंगे। इसके निर्देश नगर पालिका को और अन्य संबंधित विभागों को दिए गए। आगामी अलविदा की नमाज़ और जो ईद की नमाज़ होगी उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। लगभग 3,500 की संख्या में पुलिस बल अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड रहेगा। 112 की जो गाड़ियां हैं उनको संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में ऑलरेडी उनका ड्यूटी चार्ट तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक कंपनी RAF और 3 कंपनी PAC है जो अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड रहेगी। सादे कपड़ों में ड्यूटियाँ, रूफटॉप ड्यूटियाँ, इंटेलिजेंस के जो LIU के हमारे लोग हैं उनकी ड्यूटी अलग अलग जगह पर लगाई गई हैं।